नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। अमेरिका के कश्मीर को लेकर किए गए एक ट्वीट से पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय की ओर से किए गए एक ट्वीट में जम्मू कश्मीर को विवादित क्षेत्र न बताने पर पाकिस्तान ने कड़ी आपत्ति जाहिर की। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया था, हम भारत के जम्मू कश्मीर में 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाओं के बहाल होने का स्वागत करते हैं। ये स्थानीय लोगों के लिए अहम कदम है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में राजनीतिक और आर्थिक प्रगति के जरिए हालात और सामान्य होंगे। अमेरिका के ट्वीट में जम्मू कश्मीर को विवादित क्षेत्र न बताने पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एतराज़ जताया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद चौधरी ने कहा, अमेरिकी विदेश मंत्रालय के ट्वीट में कश्मीर का जिस तरह जिक्र हुआ है उससे पाकिस्तान को निराशा हुई। कश्मीर को विवादित क्षेत्र न बताने पर संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के खिलाफ है। बाद में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने एक मीडिया ब्रीफिंग में सवाल किए जाने पर कहा है कि कश्मीर को लेकर अमेरिका की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। हालांकि पाकिस्तान की कड़ी आपत्ति जाहिर करने के बावजूद अमेरिकी विदेश मंत्रालय के ट्वीट में कोई बदलाव नहीं किया गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भी गुरुवार को बाइडन प्रशासन से गुहार लगाई है। कुरैशी ने कहा है कि कश्मीर की ज़मीनी हकीकत को बाइडन प्रशासन नज़रअंदाज ना करे। कुरैशी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि देर होने से पहले कश्मीर विवाद का समाधान कर लिया जाना चाहिए। कुरैशी ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि बाइडन प्रशासन शुरू से ही मानवाधिकारों की बात करता आया है, इसलिए उसे कश्मीर की ज़मीनी हकीकत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कुरैशी ने कहा है कि हमें बैठकर रास्ता निकालना होगा। कुरैशी ने चेतावनी दी है कि अगर हालात खराब होते हैं तो कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।